तालियों से स्वागत कीजिए। रामायण के तीन मुख्य किरदारों को सजोया है, राम जी, प्रभु राम, माता सीता और रावण। तीन किरदारों को मैंने अपनी मुख्य भूमिका दी है, लेकिन मैं प्रभु राम पर लिख पाऊँ न मेरी इतनी उम्र है और न ही मेरा इतना ज्ञान गाथा है। जो भी है, स्वर्गीय संसी मिनाई जी की पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा था, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। अभी तक के 22-23 साल के उम्र में बचपन से मैंने जो राम जी के बारे में सुना है, पढ़ा है, मैं उसको शब्दों में पिरोया हूँ, गीत के रूप में पिरोया हूँ। बंद निवेदित करता हूँ, इस धरती पर राघवेंद्र के किस्से बहुत पुराने हैं, वो राघव नाम ही हैं जिनके चर्चे सारे जमाने हैं, वो राघव नाम ही हैं जिनके चर्चे सारे जमाने हैं। मैं भी कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, स्टेशन पर बैठे बैठे मैंने देखा न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक दशहरा का ग्रैंड आयोजन हो रहा है। ये हमारे राम की महिमा है, ये उनका प्रभुत्व है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस धरती पर राघवेंद्र के किस्से बहुत पुराने हैं, वो राघव नाम ही हैं जिनके चर्चे सारे जमाने हैं, मर्यादा के वे सागर हैं सत्य की ढोते गागर हैं, मर्यादा के वे सागर हैं सत्य की ढोते गागर हैं, सद्गुणों के द्वीप जलाते अधर्म के तम को मिटाते हैं। इस धरती पर अभी तलक, पंक्तियां सुनिएगा, निवेदन करता हूँ, इस धरती पर अभी तलक ना किसी ने ऐसा न्याय किया जैसे दशरथ नंदन ने, जैसे दशरथ नंदन ने बाणों से धर्म का त्राण किया, बाणों से धर्म का त्राण किया। अगली पंक्ति सुनिएगा, माता सीता कौन है। माता सीता के बारे में रामायण में एक प्रसंग आता है, जब राम वन गमन के लिए जा रहे होते हैं और माता सीता जिद करती हैं कि प्राणनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसको मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सो इसी चलत चहति बनना साथा, ऐसुका होई रघुनाथा, सीता भी आपके साथ चलना चाहते हैं, क्या प्रभु श्री राम आपके साथ चल सकती है। ये पत्नी का एक प्रेम है पति के प्रति, ना वो अवज्ञा करना चाहती है और साथ भी चलना चाहती है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ माता सीता के प्रति, सीता जिनके आंचल में धरती की ममता सोती है, सीता जिनके आंचल में धरती की ममता सोती है, वो पावनता जिनके आगे दुनिया नतमस्तक होती है, वो पावनता जिनके आगे दुनिया नतमस्तक होती है। कलित ललित लीलाएं सारी जनकपुरी की राज दुलारी, लंका में बध गई पर तन से मन से सती ही थी, वो रघुप्रिया पल पल अपने, ऐसी रघुप्रिया पल पल अपने प्रिय की याद में रोती है, प्रिय की याद में रोती है। और सीता माता का रोने का कारण कौन है, रावण। सीता हरण के बाद माता हमेशा विलाप करती रही अशोक वाटिका में बैठकर, उसको पंक्तियों में सजोया है मैंने, सुनिएगा, बंद निवेदित करता हूँ। रावण जो था विद्या का सागर, रावण जो था विद्या का सागर, वेदों का था ज्ञानी महान, शिव भक्त तपस्वी अति बलवाना, ब्रह्मा का पाया वरदान, ब्रह्मा का पाया वरदान, पर अहंकार की आग में आकर सत्य से मुख को मोड़ लिया, नीति धर्म की राह से हटकर पाप का चोला ओढ़ लिया, नीति धर्म की राह से हटकर पाप का चोला ओढ़ लिया। अगली पंक्तियां सुनिएगा, दस सिरथे पर बुद्धि अंधी माया में बंध कर जीता था,
छल कपट लोभ रक्त हिंसा की घूंट प्रतिदिन पीता था। छल कपट लोभ रक्त हिंसा की घूंट प्रतिदिन पीता था। पर अंतिम दिवस युद्ध भूमि में प्रभु राम का नाम पुकारा था। रावण ने भी मृत्यु शैया पर धर्म का राह स्वीकारा था। रावण ने भी मृत्यु शैया पर धर्म का राह स्वीकारा था। ऐसे हैं मेरे रामचंद्र धर्म के मूरत और प्रतीक। हर मानुष में बसते वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम रूपीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के जय श्री।